बीच पे कई बार खबरें आती है कि भाई आपका और बीजेपी की बातचीत चल रही है। क्यों जाऊं, क्यों जाऊं बीजेपी के साथ? मेरे मेरी पार्टी तोड़ी, मेरी पार्टी को खत्म करने की वो कोशिश उन्होंने की, मेरा मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, मेरे बेटे को बदनाम किया उन्होंने, यहां तक मोदी जी की पहुंच गई कि वो मुझे नकली संतान कहने लगे। तो क्या मोदी जी नकली संतान के साथ हाथ मिलाएंगे? और ये मेरे पिताजी का और माता जी का अपमान है मोदी जी ने किया हुआ। खैर उनको तो उनकी बातों पर मैं बात नहीं करता कुछ, क्योंकि वो तो उन्होंने भगवान ने भेजा है। नहीं लेकिन मुझे एक सवाल पूछना जरूरी है, मैं और ये बहुत सीरियसली मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, बहुत ही गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बहुत कंफ्यूज हो जाती है ये सब चीज को लेकर। नहीं कंफ्यूज है, जो अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने देखे, उसके बाद किसी भी तरीके से पॉलिटिकल अलाइनमेंट पर उनका भरोसा ही उठ गया है। उनको लगता है भाई कोई भी कहीं भी जा सकता है, शिवसेना कांग्रेस के साथ में, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ, अजीत पवार बीजेपी के साथ, ये किसी भी तरीके से। लेकिन मैं एक ही जगह पर हूं, कोई भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सारे खत्म हो गए। मैंने बीजेपी ने मेरा साथ 2014 में पहले तोड़ा था, उस वक्त भी मैं हिंदू ही था, और उस वक्त भी अगर मोदी जी कहते नकली संतान तो उस वक्त मैं क्या था? गठबंधन उन्होंने तोड़ा था, मैंने नहीं तोड़ा था। 2019 में उन्होंने फंसाया मुझे, मैंने नहीं फंसाया उनको। तो वो कहीं भी जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, मैं जगह पर हूं। उन्होंने मुझे फंसाया इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। वोट जिहाद के नारे उन्होंने लगाए, वो कह रहे हैं कि भाई आपको तो सारे मुसलमान वोट देते हैं, आपका तो लेकिन उनका तो टूट गया है, कुछ शिंदे के साथ चला गया, एकनाथ शिंदे। लेकिन बीजेपी का सत्ता जिहाद है, उसका क्या? किसी को वो तोड़ो, किसी के भी साथ जाओ, लेकिन सत्ता चाहिए तो सत्ता जिहाद है, पावर जिहाद है, कुर्सी का जिहाद है, कुर्सी जिहाद है, क्या कुछ भी कहो। आखिर में सर, मैं दशहरा रैली आपकी मैंने अटेंड की थी, और उसमें जो आपके स्टेज पर आपने जो शपथ ली थी 28 नवंबर पता नहीं 2019 में, तो उसका वीडियो दिखाया गया था, तो अंदर से लगता है कि एक बार फिर मौका मिले तो मैं कुछ कर दिखाऊं। मैं सपनों में दोबारा नहीं, मैं सपनों में रहने वाले में से नहीं हूं। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता था कि देखो जो मैंने शपथ ली थी, अच्छा आज तक ये जो भी कुछ बने हैं वो मेरे पिताजी ने उनको बनाया है, और अगर बीजेपी ने धोखा देने के कारण मैं चीफ मिनिस्टर बना था तो आपने गद्दारी कर मुझे उतारा क्यों, ये मैं याद दिलाना चाहता था। ये तो उसका दुख है ना आपको? नहीं दुख तो है मेरे लोगों ने, मेरे तो कभी लगता होगा ना कि भाई मुझे दोबारा जाना नहीं, है नहीं, बार, ऐसे ऐसे कोई ऐसे सपनों में रहने वाला मैं नहीं हूं। दुख तो जरूर है कि आज तक हमारे घर से इन्होंने जो कुछ लेना था वो लिया, मेरे पिताजी ने बहुत कुछ इनको दिया, ये उनका बेटा, उनका बेटा, उनका ये, उनका वो। अब जो परिवारवाद की बात करते हैं कि इनके सारे परिवार हम ही ने तो बड़े किए, और क्या उस परिवार से एक मतलब बाला साहब का पुत्र अगर मुख्यमंत्री बना तो वो क्या नहीं बन सकता? सिर्फ आपका ही बेटा, आपके पिताजी, आपके अच्छा पिताजी का नाम तो लो, उस वक्त भी मेरे पिताजी का नाम चुरा ले। मतलब मेरे पिताजी ने उनको सब कुछ देने के बाद इनको शर्म नहीं आ रही है कि पिताजी का नाम लेकर वो वोट मांग रहे हैं। परिवार का नाम लिया इसके लिए क्योंकि अभी मैंने आज सुबह ही उसका उत्तर दिया है। हाँ, मुझे महाराष्ट्र मेरा परिवार है। हाँ, महाराष्ट्र मेरा परिवार है और मेरा खून का रिश्ता महाराष्ट्र से है, और जो भी महाराष्ट्र को लूटने वाले को साथ देगा उसका साथ मैं नहीं दूंगा। तो ये मेरे सवाल बिना पूछे हुए सवाल का जवाब, क्योंकि आप कभी कभी अभी इतने दिनों में मैं सामने का देखो भैया मैं तो ऐसा पढ़ता हूं। मैं चाह रहा था कि राज ठाकरे ये कह रहे थे कि जब आदित्य चुनाव के लिए खड़े हुए पहली बार 2019 में, पहली बार ठाकरे परिवार से कोई चुनाव मैदान में उतरा था, तब उन्होंने कह दिया कि ठाकरे परिवार से ये चुनाव लड़ रहे, मैं कोई कैंडिडेट वहां पर नहीं डालूंगा, और उन्होंने कैंडिडेट वहां से हटा दिया। लेकिन जब अमित ठाकरे वहां पर खड़े हुए तब तो आपकी तरफ से ये सोचा नहीं गया। नहीं सुनो, मैंने सुबह ही बात की है कि खैर उनकी राजनीतिक भूमिका क्या है। पिछले चुनाव में उन्होंने मोदी का समर्थन किया था, इस चुनाव में वो कहते कि देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेंगे, और उन्हीं के जो महाराष्ट्र को लूट रहे हैं उन्हीं को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो भाई साहब सॉरी माफ करिए, मैं महाराष्ट्र के लुटारों को साथ नहीं दे सकता। नहीं लेकिन ये कन्फ्यूजन तो सभी का हुआ है ना कि 14 की भूमिका, 19 की भूमिका, 24 की भूमिका, इसमें तो सभी लोग ऊपर नीचे हुए नहीं हुए हैं।
मैंने कभी बीजेपी को छोड़ा, बीजेपी को पकड़ा, जो भी खेल किया वो बीजेपी ने किया था, मैंने मेरी भूमिका नहीं बदली। 2014 में आज भी मैं आपको याद दिला दूं, और एकनाथ खड़से जी ने वो उसका खुलासा किया हुआ है कि लास्ट मोमेंट बीजेपी, मतलब एकनाथ खड़से जी का फोन है कि उद्धव जी अब हमारा गठबंधन नहीं रहेगा, तो उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। 2019 में अमित शाह मेरे घर आए थे और उन्होंने मेरे पिताजी के रूम में वो वचन दिया था और बाद में वो उससे हट गए, तो मैं जहां था वहीं पे हूं और मैं महाराष्ट्र के साथ हूं, मेरे देश के साथ हूं, मैं हिंदुत्व के साथ हूं।